बनाया जा रहा है बीसी के द्वारा, जब वो कह रहे हैं कि ये बीसी ऐसा बोलते हैं कि लड़की ने खुद छेड़खानी करवाई, क्योंकि मोदी उनका वहाँ पे विजिट होने वाला था, तो इसको इस तरीके से पॉलिटिकल टर्न देने की कोशिश करी, जो कि लड़कियों के पूरे मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत ही आसान। और राजनीति कर रहे हो कह के आजादी बराबरी के मांग को तुम दूर नहीं हटा सकते हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बीएचयू के महिला साथी ही इस बात को कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। Without curbing our freedom, we want safety of our freedom. और यही बात यूजीसी का सक्षम गाइडलाइन कैटेगरिकली इन्हीं शब्दों में कहा है कि कैंपसेस में सुरक्षा का मतलब होगा कैंपस के सारे तबके का, महिलाओं का, ऑप्रेस जेंडर्स का फ्रीडम, उनके मोबिलिटी पे किसी भी तरीके का पाबंदी ना लगे। वाइस चांसलर अपने तमाम सारे इंटरव्यूज में यही कह रहे हैं, इनका भाषा देखिए, वो कह रहे हैं हम सुरक्षा ही तो दे रहे थे, 6 बजे अगर हॉस्टल का ताला बंद कर देते हैं तो क्यों कर देते हैं, अंदर बैठे जेल में बैठे, जेल में सारा सुरक्षा है, कोई लड़का उधर नहीं है, सड़क लड़कों के लिए है, बाहर का स्पेस, पब्लिक स्पेस, पढ़ाई लिखाई करना सब कुछ वो लड़कों के लिए है, वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो हम गारंटी नहीं कर सकते, तुमको 6 बजे के बाद हॉस्टल के अंदर घुसना हो। और बीएचयू की लड़कियां कह रहे हैं कि ये कोई सुरक्षा नहीं है, ये हमको कैद, हमको इम्प्रिजन करना है, हमको जेल में बंद रखना है, इसको सुरक्षा का नाम मत दीजिए। हम अगर सुरक्षा मांग रहे हैं तो हम मांग रहे हैं कि 6 बजे के बाद भी हम हॉस्टल के बाहर रहेंगे, हम लाइब्रेरी में पढ़ने जा सकते हैं, हम घाट में जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये बात वो कह रहे हैं। तो इसलिए बीएचयू की लड़कियां जो कह रही हैं उसको इको करना जरूरी है, सुरक्षा, सेफ्टी विदाउट कार्विंग एनी फ्रीडम। और सक्षम गाइडलाइन जो यूजीसी का है उसको वर्बटिम लागू करने का जिम्मेदारी बीएचयू के वाइस चांसलर ले। तीसरी बात मैं कहते हुए, ये मेरा अंतिम पॉइंट है, मैं कहना चाहूंगी कि आज देश भर में हम देख रहे हैं कि महिलाएं देश भर के कैंपसेस में महिलाएं सड़कों पे उतर रही हैं, अपना आज़ादी, अपना बराबरी मांग रही हैं। और एक बात वो बहुत कैटेगरी के लिए कह रही हैं कि हमको कैंपसेस के अंदर जीएस कैश चाहिए। और ये बात बीएचयू लड़कियों का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें है, जीएस कैश जो एक ऑटोनोमस जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ उसका उसके ऊपर इंक्वायरी करने का बॉडी हो, उसको लागू करवाया जाए। और जो भी साथी बीएचयू मूवमेंट के साथ अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी ग्रुप बीएचयू वुमेन्स मूवमेंट के साथ अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि बीएचयू लड़कियों का बात सुनिए और ये समझिए कि लड़कियाँ बोल रही हैं सेफ्टी विदाउट कार्विंग अवर फ्रीडम, सेफ्टी ऑफ आवर फ्रीडम एंड नथिंग एल्स। हम जब चाहे सड़कों पे निकले, हम जब चाहे लाइब्रेरी जाए, और हमारे लिए ये बीएचयू और तमाम सारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदारी बनता है कि हमारे पापा से ना पूछा जाए हमारे साथ क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऊपर जो अधिकार दिया गया है, हमारे बारे में जो अधिकार दिया गया है वो लागू किया जाए। और बीएचयू वाइस चांसलर जीसी त्रिपाठी का उस पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर थोड़ा सा भी शर्म इस देश के संस्थानों में बचा हुआ है तो जीसी त्रिपाठी को इमीडिएटली रस्टिकेट करना होगा, सस्पेंड करना होगा। जो व्यक्ति बोलता है कि हम कैंपस के हर एक लड़की का बात नहीं सुन सकते हैं, वो यही बोलता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता रहेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो व्यक्ति यही बोलता है कि मोलेस्टेशन और इम्प्रिजनिंग आम बात है, ये होंगी, तुम पढ़ने आओगे तो तुम्हारे शरीर को छुआ जाएगा, ये तुमको झेलना पड़ेगा, ये कैंपस के महिलाओं का बात हम नहीं सुन सकते हैं। हम किसका बात सुन सकते हैं? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात सुन सकते हैं। तो जीसी त्रिपाठी को ये समझना होगा, देश और हमारे यूनिवर्सिटी
नहीं रह सकते, ये देश के हर एक कोने से ही आवाज होना होगा, जीसी त्रिपाठी मस्ट गो बैक। साथियों यही कह के मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी, और जो भी एक आशा का किरण है कि देश के सारे यूनिवर्सिटीज में एबीवीपी का हार हो रहा है, लेकिन जो भी